आपको सिर्फ यही कहता हूँ। कहना साहब ये तो बड़ा, ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ जान के कि आप लोग, आप लोग सच्चाई को ऐसे डिनाई कर देते हैं। आप लोग कह देते हैं अफवाह, उमर उड़ा दी गई, पाकिस्तान ने झूठ बोल दिया, हमें कैसे झूठ बोलेगी। आप तो इंटरनेशनली आप लोग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोग पूरी दुनिया आलमी सतह पर कश्मीर में जो हो रहा है। मैंने कहीं आपको इंटरफेरेंस नहीं किया, सिखों के साथ जो आप कर रहे हैं वहाँ पे पड़ेगी। मैं सिखों पर भी आ जाऊंगा, देखने के परफॉर्मेंस के स्किल दुनिया में, दुनिया में किसकी परफॉर्मेंस। कीप क्वाइट, इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर कीप क्वाइट, आई डिडंट इंटरफेयर, यू आल्सो बेटर नॉट इंटरफेयर। लर्न हाउ टू डिबेट। नो यू सेड कि आप पूछ लें, मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। बी अ मैन टू फेस इट। आपने खुद ही तो कहा कि आप कर्नल फारूक से पूछ लें। दिस इज नॉट द करेक्ट, आई एम आस्किंग यू टू चेक इट, दैट्स ऑल। And if you start interfering like this, then you don't deserve to be on the show. ये डॉक्टर फिजा का शो है, बात करने की आपको इजाजत है तो मुझे भी इजाजत है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट, आप मेरे शो में कितनी बार आ चुके हैं, कभी आपकी आवाज को म्यूट किया गया, आपकी आवाज को दबाया गया? मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। मैंने तो आपको बोला ही नहीं, हमारी शो की खूबसूरती है कि हम पूरी बात सुनाते हैं, आपकी भी और हमारी भी। डॉक्टर देखिए, बात सुनिए, डिबेट कहते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, अपने अपने आगे। नहीं, मुंह पे कह रहे हैं कि ये एक डिबेट। अच्छा, अब आपकी इजाजत से मैंने आपके थोड़ा सा कर्नल साहब होश के नाखून ने एक मिनट कूल डाउन कर्नल साहब, एक मिनट जरा तहमुल रखें, ठंडे हो जाएं। शो में अपने विचार देने का मौका दिया है, दो चार चीजों से स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे वो आई हैं। सबसे पहली बार डॉक्टर फिजा साहब का बिल्कुल बढ़िया बयान है कि इतना पैसा हम किसी गोला बारूद या लड़ाई की चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन या आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है, हर कंट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज़ नॉट आर एनी, यू हैव अ बेटर एनी। सो हमें हमारे साइज के हिसाब से, हमारे एडवर्सरी के हिसाब से तैयार रहना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस, जिस भी दिन ज़रूरत पड़ेगी चाइना के खिलाफ, आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ देने के लिए इंडिया खड़ा होगा, ये आप देखेंगे। जहां तक आपने एक अच्छी बात करी कि जुल्म और सितम बहुत हो रहे हैं, अगर दोनों DGMO साहब मिलकर एक सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अगर कोविड शील्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अगर इन्हीं को जुल्म और सितम कहना चाहिए, तो भगवान करे इस तरह के जुल्म और सितम और हो, और अच्छे बढ़ चढ़ कर हो। आपने कहा कि 32 लाख लोगों को जाली तौर पर JNK में वो रजिस्टर कर दिया, कृपया कर वो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ नीचे जरूर चलाइएगा, मैं भी अप्लाई करके देखूंगा, आप भी अप्लाई कर देखिएगा कि क्या उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है क्या नहीं, क्योंकि इस तरह की अफवाहें उड़ाना आपका हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अगर हो रहा होता तो कम से कम मुझे जरूर पता होता। आप कह रहे हैं कि इनको मतलब बांग्लादेश, आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके तो बड़े अच्छे आपके जो बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है, छोटे मोटे ऊंच नीच आना कोई बड़ी बात नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें जो इक्विपमेंट है ना, मेरी बात सुने, आपके बोलने के दौरान अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो आपको सीखना चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छी तरह सीखता हूँ भाई, नहीं आपसे क्या सीखना है हमने, बात सुनो, आपसे क्या सीखना है हमने, पाकिस्तान का आर्मी रूल नहीं है। आपसे तो जो सीखना ये है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना, अच्छे से समझा, और क्या सीखना। यू आर नॉट द डिक्टेटर, यू आर नॉट द डिक्टेटर हियर ऑन द शो, यू आर फेसिंग इंडियन आर्मी कर्नल। लर्न टू लिसन, आई हैव टू लिसन,
लिसन, मैंने कौन सी बात गलत बताई है वो बताएं। आप ये मत सोचिएगा कि आप साफ कहने लायक हो गए। आपको मालूम है कि आप एक डिबेट के अंदर जब दूसरे स्पीकर के बीच में बोलते हैं तो इसे बदतमीजी कहा जाता है। आपको आप किसी पर तकरीर करते हैं, बदतमीजी किए जा रहे हो उस वक्त से करके किए जा रहे हो डिक्टेटरशिप की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने कहा था एक एक का जवाब करके मुझे डिनाई करना था। ये होता है डिबेट का तरीका, ये नहीं होता कि तकरीर शुरू कर दो। एक बात का जवाब भी दे सकते हैं। आप तो एक सांस में बोले चले जा रहे हैं, पर ये भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज का जवाब देते जाए मैं चुप हूँ। ये पाकिस्तान है और ये अपनी डिक्टेटरशिप में बोलता चला जाएगा, नहीं बोल पाएंगे आप। भाई एक एक बात का मेरे को जवाब करके मुझे गलत समझ रहे हैं। जो मैंने कहा उसको एक एक करके गलत कहे, ताकि फिर इनको कहें कि एक एक मैंने जो कहा गलत साबित कर दिया। बस वो का जवाब तो देंगे ना। हां सुनने की बात है, सुनने दे, मैं खुद इसने खामोश भी नाजुक को सुनने दे कि ये है भारत के टाइटल। हमारे में सुनाने की बहुत ज्यादा ताकत है, ये बात आप समझ लीजिए। आप जो सेवन टाइम्स काउंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप उस बाइडन का वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे। माइक ऑफ करवा दो, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप बाकियों को नहीं बोलने देंगे, सोलो शो नहीं आपके साथ। एक मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा बोल रहा हूँ। डिड आई इंटरफेयर देना, आपको पता है आपने क्या बोला अभी? आप ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा यूट्यूब पे, आपको पता नहीं कि हमने क्या बोला। जो मैंने पूछा उसके अलावा आपने सब बोला, जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब के अलावा आपने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, सिर्फ उस सवाल का जवाब ये दिया। मैंने तो आपको बताया है कि जवाब तो मैं आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने एक अपनी कहानी शुरू कर दी, आपने पाकिस्तानी जो एनालिस्ट चढ़ाई शुरू कर दी और एक सांस में आप बोलते चले गए। कुछ इतनी फनी बातें कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकी। अगर आप मुझे सुनने के लिए अच्छा नहीं, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। चले पे एक मिनट का वो शो देकर ना साहब, एक मिनट फिजा, ये कहते हैं कि चाइना पहली बारी है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। कन्हैया साहब दूसरे को भी सुनने का हौसला रखे ना। कन्हैया साहब चले बाकियों को टाइम दे दे, मेरे पास आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। थोड़ा सुनना पड़ेगा, सिर्फ सुनाना आपका हक नहीं है। 22-23 मिनट हो गए प्रोग्राम को, आप बोले चले जा रहे हैं। 22 मिनट में 12 मिनट तो आप ही बोले हो। अच्छा ठीक है, सुन लिया आपको, सुन लिया तीन लोग आपको सुन लिया। मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मुझे आप बोले लेकिन सही बात बोले ना, इन्फॉर्मेशन दे, कोई सच बोले, सवाल का जवाब दे। मैं सच बोल रहा हूँ ना कि आप डिक्टेटर नहीं है, यू कैन नॉट बी द डिक्टेटर। अगर आपने मुझे 7 मिनट सुनाया है और आपने खुद ही बोला है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर किया क्या जाए? अब आपको सुननी भी पड़ेगी, बड़ी सीधी बात है। मेरा काम, मेरा काम बदतमीजी को रेसिप्रोकेट करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन्हें तहजीब होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो बीच में तहजीब। मेरी बात सुनिए, अब मेरे ख्याल से नाजरीन अब डिसाइड करेंगे कि तहजीब किसको ज्यादा है, नाजरीन डिसाइड करेंगे। उन्होंने आपको भी सुन लिया, पिछले 10 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। नहीं